वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज है 23 जनवरी और हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल सकता है, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की किस व्यवसायी महिला को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजूमदार। ये आपकी किरण मजूमदार है जिनको ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम हैगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच उद्योग और अकादमिक सहयोग के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो फेडरेशन यूनिवर्सिटी की ऑस्ट्रेलिया की पूर्व छात्रा रही है आपकी ये किरण मजूमदार जी, जो कि बायोकॉन एक की ये क्या है संस्थापक है। बायोकॉन जो है वो आपकी क्या है, भारत की सबसे बड़ी जैव दवा कंपनियों में से एक है। ये आपकी चौथी भारतीय थी जिन्होंने ये सम्मान मिला है। इससे पहले आपकी मदर टेरेसा, सोली सोराब जी तथा सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिल चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी कि बिना एटीएम कार्ड के आप कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट की है आपकी आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप बागची ने मंगलवार को ये ऐलान किया। तो इस सेवा से क्या होगा कि ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, कौन सी आई मोबाइल एप्लीकेशन है के पर अनुरोध करके क्या है ना, बैंक के 15,000 से अधिक एटीएम से नकदी निकाली जा सकती है। फिर इसके बाद ये आपका भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा को हाल ही में भारत तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा हैं जिन्हें भारत तीरंदाजी संघ का क्या है नया अध्यक्ष चुना गया है। 18 जनवरी को ये चुना गया था, ठीक है ना। इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 4 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, ये आपके अर्जुन मुंडा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अभिनेत्री को कृष्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्रिस्टल अवार्ड है वो आपका किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया, और ये अवार्ड प्रदान किया गया दावोस में। ये अवार्ड दीपिका पादुकोण को उनके मेंटल हेल्थ को लेकर किए गए सराहनीय कार्य के लिए ने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो खुद डिप्रेशन से लड़ चुकी हैं, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के नगर पालिका चुनावों में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना स्टेट है वो, इसने इलेक्शन कमीशन यानी कि कोमपल्ली जो नगर पालिका है के चुनावों के दौरान ये चेहरा पहचानने वाली ऐप का क्या उपयोग किया गया, फेस रिकॉग्निशन ऐप का। इसका इस्तेमाल वो 10 चयनित पोलिंग स्टेशन पर पायलट के तौर पर किया जाएगा, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन के थ्रू आपका ये चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना का ये पाठ हर दिन क्या है, सुबह की प्रार्थना के बाद आपका किया जाएगा, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है आपकी, सभी भारत हमारे भाई बहन है, ये वाली आपकी प्रस्तावना है संविधान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शेयर जेएलएल वैश्विक गतिशील शेयर सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो ये आपका हैदराबाद। तो यहाँ पर विश्व के 129 गतिशील शेयरों की सूची में हैदराबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है आपका। ये सूचकांक किसने जारी किया, अमेरिका की जो रियल इस्टेट कंपनी है
रियल एस्टेट कंपनी JLL, ये आपकी अमेरिका की कंपनी है JLL, जिसका क्या है जॉन्स लैंग लासेल द्वारा ये जारी की गई लिस्ट थी, ठीक है ना। हैदराबाद को ये पुरस्कार, उसके हैदराबाद को ये सूचकांक में पहला स्थान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उसने सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मानदंडों पर क्या है विश्व के किसी भी अन्य शहर से बेहतर स्कोर अर्जित किया है इस सूचकांक में। इसके अलावा विश्व के 20 डायनामिक शहरों की सूची में भारत के 7 शहरों को और जगह मिली है, जिसमें से बेंगलुरु से दूसरे स्थान पर, चेन्नई 5वें स्थान पर और दिल्ली से 6ठे स्थान पर है। फिर नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है, योगेश्वर दत्त और इसके साथ हैं आपकी दीपा मलिक, इनको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है, ठीक है। तो दीपा मलिक क्या है, दीपा मलिक आपकी ये दीपा मलिक ये सोनीपत यानी हरियाणा की सोनीपत में रहने वाली हैं, जिन्हें शॉर्ट पुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ क्या तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी क्या है ये विकलांग खिलाड़ी हैं आपकी पैरालंपियन, ठीक है ना। जिन्होंने क्या 2016 पैरालंपिक गेम में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीतकर क्या इतिहास रचा था 2016 के पैरालंपिक गेम में, इनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरे आपके ये आपके योगेश्वर दत्त, जो भी क्या है ना हरियाणा के सोनीपत से ही हैं, ये कुश्ती खिलाड़ी हैं भारत, जिन्होंने 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी हासिल किया है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।